everyone, welcome to our channel Learn English with Zita. My name is Anamika and you know we come live at 6 p.m. and of course at 9 p.m. So today is going to be a wonderful session at 9 p.m. Don't miss that session. Aaj ke session mein hum kya karne ja rahe hain? We are going to do this. Avoid these errors. You know, avoid these errors. Ye dekhiye, aapko ek cheez mil gayi na. So avoid these errors. Yahan pe kya hai? यहाँ आपने होना चाहिए था दीज है, तो दिस एरर होना चाहिए या दीज एरर्स होना चाहिए. तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने आपके साथ आज करनी है. तो जल्दी जल्दी सेशन को लाइक और शेयर करिए. देखिए, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दें, चाहे आप स्पोकन इंग्लिश करें, बोलते हुए ये कुछ छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो करते हैं हम. पहली गलती देखो, क्या क्या एरर्स हो सकती हैं. वी कैन हैव एरर्स ऑन यू नो ऑन द बेसिस ऑफ टेंस. टेंस की एरर हो सकती है. प्रेजेंट का पास्ट बना दें, पास्ट का फ्यूचर बना दें. तो ये बोलने में हमारी गलतियां होती हैं, या फिर हमारा जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें भी आती है. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दैट. दूसरी एरर होती है प्रीपोजिशंस के. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन लगती है. जैसे कि वी हैव अ वर्ड accustomed, उसके साथ भी एक preposition लगती है. Then we have a word, बहुत सारे words हैं, जैसे brimming के साथ with लगेगा, infested के साथ with लगेगा. तो ये कुछ ऐसे combinations होते हैं, preposition combinations, जो हमें ध्यान रखने होते हैं. तीसरी error जो होती है वो subject verb agreement की होती है. अगर singular subject है तो verb भी कैसा लगेगा, जल्दी बताओ. singular. और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा लगेगा. सही बोला, बोला ना आपने प्लूरल. तो अब इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा. जैसे मैंने भी बताया था, दिस एरर, दीज एरर्स, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है. एंड देन वी हैव वर्ड एरर ऑल्सो. जैसे कि हम स्पेलिंग्स की गलती करते हैं. आना चाहिए क्वाइट, हम लिख देते हैं क्वाइट, यू नो. So we have all these errors like these also, right? So बहुत सारे इस तरीके के errors होते हैं. तो आज हम काम करेंगे इन्हीं पे. और हाँ, एक error और होती है, वो होती है article की. कहीं पे a लगता है, कहीं an लगता है, da लगता है, तो वो भी हमारी error होती है. पहले मुझे ये बताइए, मेरी आवाज़ आपके पास आ रही है? आधा lecture ख़त्म करके कह रही हो आवाज़ आ रही है. चलो खैर, वो तो कोई बात ही. आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर. सो हम आगे बढ़ें. चलिए, शुड वी मूव फॉरवर्ड. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा, वेरी नाइस. वंदना गुड इवनिंग. एंड खुशी, जन्नत, गार्गी, शगुफ्ता, राही, सभी लोगों को बहुत ही प्यारी वाली गुड इवनिंग. तो चलो भाई, क्लास शुरू करी जाए जल्दी से. पहले उससे पहले आप देख लीजिए, टेस्ट योरसेल्फ. भैया अपने आपको टेस्ट कर लो कि तुम टेस्ट देने के लिए तैयार हो. तो फटाफट पहले टेस्ट योरसेल्फ. टेस्ट योरसेल्फ मीन्स यस यस मैडम, श्योर, ओके मैम, हिमांशु ने बोला है. चलो फिर शुरू किया जाए अपनी क्लास को. ये हमारा पहला है, ये आपका शायद पिछला असाइनमेंट था. ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम, ही वाज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट. देखो इसके कितने पार्ट्स हैं, चार पार्ट्स हैं. जल्दी बताइए व्हाट इज द एरर. अगर आपने जवाब दिया था बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो अभी भी आंसर देने का टाइम है. बताओ, पहले बताओ किस पोर्शन में एरर है. वन में, टू में, थ्री में, या फोर में. चलिए फोर में तो एरर ही नहीं है क्योंकि नो एरर लिखा है. ओके हाँ, एक बात और, लाइक और शेयर करेंगे क्लास को, क्योंकि आज हम बहुत सारे एरर्स को, डिफरेंट एरर्स हैं जिनको हमने आज कंबाइन करा है आपकी क्लास के लिए. ठीक है, हाँ, वेरी गुड. सो वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ आंसर्स. या ओके ओके ग्रेट. जर्मन लैंग्वेज कह रहे वन, हिमांशु ने कहा टू, गार्गी वन, राही कह रहे टू, सभी लोग अपने अपने आंसर्स दे रहे हैं. तो वन में मतलब यहाँ पे, ये मतलब टू इज हियर, मतलब ही वॉज लेफ्ट. अच्छा, फॉर द एयरपोर्ट में नहीं है एरर कोई. थ्री में, बहुत अच्छा कमल साहू, वेरी गुड, ग्रेट. जल्दी जल्दी लाइक और शेयर करो भाई क्लास को, क्या चल रहा है ये, फटाफट. हाँ चलिए, सो देखिए, ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम. तो याद रखिए ये रीच्ड आया है, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है. ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कब होती है, जब इसके साथ हैज, हैव या हैड आता.
राइट। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, याद रखो जिन वर्ब्स में ईडी लगता है उन वर्ब्स की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, ईडी वाली होती है। देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन दीज। इफ यू हैव ईडी फॉर्म विद हैज हैव हैड देन दैट इज थर्ड फॉर्म एंड इफ इट इजंट देन इट इज योर सेकंड फॉर्म। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट मींस ये हमारा कौन सा टेंस बना, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये हमारा बना पास्ट इंडेफिनिट। चलो वेरी गुड योगेश, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। अब जब दो पास्ट के एक्शंस एक साथ होते हैं, हाँ जरा मैं आप लोगों को अच्छा इसका आंसर बता दूं पहले, शुड आई टेल यू द आंसर? अच्छा वंदना ने कहा दोनों में एरर्स हैं। नहीं भाई दोनों में तो नहीं है, ऐसे तो नहीं चलेगा। देखो ही वॉज लेफ्ट, नहीं हमें क्या लिखना है, ही हैड लेफ्ट। अब देखो हैड क्या है, ऑफकोर्स हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ हमने कौन सी लगाई, लेफ्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा क्यों किया, सेकंड पोर्शन में गलती है पर क्यों किया, दैट इज ऑफ द टू पास्ट इवेंट्स, द इवेंट दैट हैपेंस अर्लियर। अर्लियर का मतलब होता है जो इवेंट पहले हुआ उसको आप करोगे पास्ट परफेक्ट में, और जो इवेंट बाद में हुआ है या द इवेंट दैट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स, दैट मीन्स वी विल यूज इट इन पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट। ठीक है, बहुत अच्छा। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जब मैं क्लास में पहुंची तो टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया था या शुरू कर दिया, जल्दी बताइए। जब मैं क्लास में पहुंचा तो टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया था, जल्दी से बताइए, व्हाट विल बी द इंग्लिश। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि ट्रेन जा चुकी थी, दोनों में से कोई भी बना दो चलेगा। ओके सिमी, आई गेव यू इनफ चांस टू गिव यू द करेक्ट आंसर। अच्छा यू वॉन्ट मी टू गिव यू द चांस टू गिव द रीजन ऑल्सो, ठीक है आई विल गिव दैट, फाइन आई मिस दैट दिस टाइम। हाँ श्योर सिमी श्योर, इन टाइम भी ठीक है वंदना, ऑन टाइम भी ठीक है, बहुत अच्छा। अब जल्दी से बताइए भाई, जब मैं क्लास में पहुंचा तो टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया था, जल्दी से बताओ। एक तो सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस मेरा क्या है, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि ट्रेन जा चुकी थी या जा चुकी है। व्हेन आई रीच्ड इन द क्लास द टीचर हैड स्टार्टेड टीचिंग, द टीचर वॉज टीचिंग, टीचर पढ़ा रही थी नहीं, रहा है रही है नहीं बोल रही हिमांशु, ध्यान से सुनो, मैं कंटिन्यूएशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, जब मैं क्लास में पहुंचा मतलब पास्ट की बात है, टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया था, राइट। सो द एक्शन जो पहले हो चुका है उसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। हाँ ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। तो आपने बाकी सब ने ठीक बनाया है, व्हेन आई रीच्ड द क्लास या व्हेन आई रीच्ड इन द क्लास। मीजा हैदर वेलकम टू द क्लास। जो लोग नए हैं जरा जल्दी जल्दी मेरी क्लास को लाइक और शेयर करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। या जब मैं क्लास में पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड, व्हेन आई एंटर्ड, बहुत सारी चीजें कह सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, आप पहले क्लास में पहुंचे, ये एक्शन पहले हुआ है या फिर टीचर ने पढ़ाना शुरू किया है। सो हम क्या बोलेंगे, व्हेन आई, जब मैं क्लास में घुसा, जब मैं क्लास में पहुंचा, कुछ भी कह सकते हो। व्हेन आई एंटर्ड द क्लास या रीच द क्लास या जब मैं क्लास में पहुंचा तो क्या हुआ, टीचर पढ़ा रही थी। सो व्हेन आई रीच द क्लास द टीचर हैड पहले से ही पढ़ा रही थी, एक एडवर्ब भी लगा देते हैं, हैड ऑलरेडी या हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टीचिंग। सो जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, यस व्हेन आई रीच्ड स्टेशन, बहुत अच्छा। जल्दी जल्दी बताइए, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, तो पता चला कि ट्रेन जा चुकी थी, सर। सो व्हेन आई रीच्ड, देखो सभी में
आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलेगी सब्जेक्ट के बाद. व्हेन आई रीच स्टेशन आई, मुझे पता चला, आई केम टू नो, ऐसे भी कह सकते हैं, पता चला या मालूम हुआ, मुझे लगा, लगा तो नहीं, खैर मुझे पता चला, आई डिस्कवर्ड भी कह सकते हैं. सो व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिस्कवर्ड, मुझे ये पता चला, क्या पता चला, आई डिस्कवर्ड दैट द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, दैट द ट्रेन हैड, देखो आया ना, तो पहले ट्रेन छूटी, जब पहले ट्रेन छूटी दैट मीन्स वो जो चीज पहले, अर्लियर एक्शन, इसी को क्या बोलते हैं, अर्लियर एक्शन, वो हमेशा आपका किस में बनेगा, परफेक्ट में बनेगा. ओके एवरीवन, इज इट क्लियर एवरीबॉडी, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ. हाँ, व्हेन आई स्टेप्ड इन द क्लास द टीचर हैड स्टार्टेड टीचिंग, वेरी गुड, एक्सेलेंट एवरीबॉडी. ओके ओके, बहुत अच्छा. सो व्हेन आई रीच्ड द क्लास द टीचर, चलो भाई लिख दिया, टीचर भी लिख दिया, द टीचर हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टीचिंग. आई होप क्लियर एवरीवन, सबको समझ में आया, अगर समझ में आया तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि हमने हैड लेफ्ट क्यों लिखा है, क्योंकि जो पास्ट के दो एक्शंस होते हैं उनमें से जो एक्शन पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में एक्सप्रेस करते हैं. पता है इसके बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे जैसे आएंगे एरर्स हम आपको कराते जाएंगे, ठीक है, बहुत सारी इसमें चीजें हैं. ओके गुड ग्रेट, लाइक और शेयर करिए जल्दी से क्लास को, बहुत अच्छा समझ में आ गया. अब देखिए, चलिए पहले शेड्यूल नोट कर लीजिए, शाम को 6 बजे हम रोज लाइव आते हैं और साथ साथ रात में 9 बजे भी लाइव जाते हैं. आज 9 बजे की क्लास बहुत बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से और आप लोगों के प्यार की वजह से वी आर सून गोइंग टू रिलीज आवर बुक, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बुक रिलीजिंग सेशन एट 9 PM. सो जॉइन एंड गेट अ चांस टू विन अट्रैक्टिव प्राइजेस, राइट. तो ये बुक का टाइटल और टॉपिक सब आपको इसमें पता चलेगा. आ रहे हैं ना आप लोग, कौन कौन आ रहे हैं, जो जो आ रहा है वो लिखे, आई एम, जल्दी से लिखो आई एम, वेरी गुड. नंबर भी दे दो अपने भाई, प्राण ने बता दिया, 1 out of 1, बहुत अच्छा. चलिए, दिस इज आवर पेड कोर्स ब्लूप्रिंट बंडल, यू कैन परचेज इट फ्रॉम दिस लिंक. बेसिक का बहुत अच्छा कोर्स है, जिन्हें इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, वो ये कोर्स ले सकते हैं. लेकिन जो इंग्लिश बोलते हैं और अपनी इंग्लिश को और अच्छा करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ, वो हमारा एडवांस इंग्लिश लर्निंग सिस्टम ले सकते हैं इस लिंक से. और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन गिव अस अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन दिस नंबर. जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, एंड ऑफ कोर्स फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. चलो भाई आज की क्लास शुरू करी जाए. अब भाई थोड़ा आंसर्स जो है ना, आप लोग थोड़ा जल्दी दीजिएगा, बी फास्ट इन गिविंग द आंसर्स. वेरी गुड वेरी गुड, अ बिग हैंड फॉर ऑल यू गाइस, बहुत बढ़िया. आई एम राजनदीप, आर पांडे, वंदना, निकिता, हिमांशु, गुरदीप, मिस मीसा हैदर, मधुमिता, शगुफ्ता, दानिश, योगेश, प्राण और मेरे सारे स्टूडेंट्स. हाँ चलो बहुत अच्छा. राम चौधरी जी, या वेरी गुड इवनिंग टू यू एज वेल. अभी चलो यहाँ आ जाओ. आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेम्बर इट्स स्टोरी. अब जल्दी से बताइए मुझे इसमें एरर किस पोर्शन में है, 1 में है, 2 में है, या 3 में है, या 4 में है. यू जस्ट हैव टू गिव मी द नंबर इन विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस फॉल्स द एरर, फटाफट मुझे बताइए. और रीजन नहीं देना है अभी, पहले नंबर बताइए किस नंबर पे है और फिर मुझे रीजन भी देंगे, जैसे सिमी ने मुझे याद दिलाया. हाँ बहुत अच्छा. ओ यस, आई विल डेफिनेटली गेट अ साइड दानिश, व्हाई नॉट, या. So we have got this one, very good. I just got a side, yeah. बहुत अच्छा, बताते जाओ किस पार्ट में है. अच्छा सब लोग कह रहे मैम 1 में एरर है. अच्छा आप कह रहे 1 में, मतलब कि आई हैव सीन में एरर है. अच्छा ठीक है, क्यों है एरर जल्दी बताओ,
Now give me the reason why. Why you say that it is in part 1? Is there anybody who says in part 3 or part 2? Vandana says it is in part 3 also, but I do not remember its story. This seems to be okay, Vandana, I think. Yeah. Okay, good, Danish. Very good, Shagufta, Yogesh, Madhumita, German language, Rajandeep Kaur, bahut acha. Now give me the reason why. My big question is, why you say it is in part 1? Chalo, give me the answer. Give me the answer. Support your answer with a proper reason. Okay. Okay. Bahut baniya. Bahut acha. Shabash, shabash. Okay. Good afternoon, good afternoon. Although we have good evening here, but no problem. Great. बहुत अच्छा. तो जो लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैम पार्ट वन में है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं. आपने जो फरमाया कि पार्ट वन में एरर है, मतलब आई हैव सीन दैट फिल्म. अगर मेरा यहीं तक ही होता आंसर, अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देती, सॉरी, इफ आई पुट अ फुल स्टॉप हियर, और ये सब मैं कट कर दूं, आई कट ऑल दिस. ओके, सो दिस इज माय, या दिस सेंटेंस ऑफ माइंड वुड बी प्योरली करेक्ट. ओके, इट वुड बी एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, हाँ, लेकिन मैं अभी यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाऊंगी. क्यों नहीं लगाऊंगी? क्योंकि यहाँ पे मुझे लास्ट ईयर दिया गया है. याद रखिए, जब लास्ट ईयर हमारे इस तरीके के एडवर्ब्स हो, दीज आर ऑल एडवर्ब्स. यस, वेरी गुड, दीज आर ऑल एडवर्ब्स. तो हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, हम इसका यूज नहीं करेंगे. हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे. वी विल यूज सिंपल पास्ट. और सिंपल पास्ट के साथ होता क्या है कि सिंपल पास्ट का कनेक्शन टाइम से होता है. सिंपल पास्ट का कनेक्शन क्या है? इट इज यूजुअली विद टाइम एक्सप्रेशन, यूज विद टाइम एक्सप्रेशन. यस, रेफरिंग टू पास्ट. बहुत अच्छा. वी कैन हैव यस्टरडे, लास्ट वीक, टू ईयर्स अगो. अगर ये सब आ गया तो आपको हमेशा सिंपल पास्ट इसके साथ यूज करना होगा. तो देखो, लास्ट ईयर आ गया, हैव सीन के बजाय सेकेंड फॉर्म लगा दो. आई सो दैट फिल्म लास्ट ईयर, बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी. हाँ, होप सो क्लियर. बहुत अच्छा. यस शंपा, वेरी गुड, वेरी गुड. यस, बहुत अच्छा. सो वी हैव गॉट दीज एडवर्ब. कुछ एडवर्ब्स जो टाइम एक्सप्रेशन और सिंपल पास्ट को कंबाइन करते हैं, जैसे कि यस्टरडे. या माई ब्रदर केम हियर यस्टरडे, ये बिल्कुल सही है. या सो वी विल से माई ब्रदर. नाउ आई एम गोइंग टू यूज वर्ब की सेकेंड फॉर्म, केम हियर यस्टरडे. अब जब यस्टरडे लगेगा तो आप ये नहीं कहेंगे माई ब्रदर हैज कम हियर यस्टरडे. दैट वुड बी योर रॉन्ग. ओके, दैट वुड बी रॉन्ग. यस, सो इज द राइट आंसर. मैंने उसे पिछले हफ्ते देखा. देखा था? नहीं, मैंने उसे पिछले हफ्ते देखा. आई सॉ हिम लास्ट वीक, लास्ट ईयर. ओके, सो दैट वे इट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. बहुत अच्छा. हाँ, वॉच्ड भी लगा सकते हैं. आई वॉच दैट फिल्म यस्टरडे, बिल्कुल सही कह रहे हैं. बट क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सीन ऑलरेडी वर्ब है, तो आई वुड प्रेफर यूजिंग सॉ, दैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सी, बिकॉज आई हैव गॉट दिस सीन हियर. दैट इज व्हाई आई यूज्ड सॉ. अदरवाइज वॉच इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, इसमें कोई भी गलती नहीं है. आई होप इट इज क्लियर एवरीबडी. सो आई थिंक इट इज अ पास्ट इवेंट, hence past simple, that is I saw is the right usage. और मैंने आपको reason भी बता दिया कि verb की second form क्यों आएगी. Okay, great, great, great. बहुत अच्छा. So you remember these adverbs? कुछ adverbs हैं, जैसे yesterday, हाँ, last week, या last year. अच्छा, week भी ध्यान रखना, spelling. हाँ, या last year. या इन सब के साथ हम past सिंपल पास्ट को यूज करते हैं. ये पास्ट के टाइम है. या लास्ट वीक, ईयर, मंथ भी आ सकता है. या वी कैन हैव मंथ ऑल्सो, लास्ट मंथ, वी कैन से दैट ऑल्सो. ओके,
आप ईयर भी लगा सकते हैं, जैसे कि इन 2019, इन 2019 कोरोना स्प्रेड लाइक एनीथिंग। ओके, बता देंगे, बिल्कुल अभी बता देंगे कैसे डिफरेंस करते हैं। बहुत अच्छा, अभी अगला क्वेश्चन है ना, वो भी है। एक और इसमें बहुत अच्छा एडवर्ब है, दैट इज व्हेन आई वाज यंगर, या व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं बहुत छोटा था, या व्हेन आई वाज यंगर, अब इस तरीके से भी आता है। तो ये इन सब के साथ हम ऑफ कोर्स क्या यूज करते हैं, वी यूज्ड पास्ट सिंपल, ठीक है। हाँ, अब परफेक्ट के भी कुछ एडवर्ब्स होते हैं, जैसे कि मुझे अभी किसने बोला, मुझे किसने बताई ये बात, वंदना ने, कैसे डिफरेंशिएट करते, वो भी अभी पता, पर इसमें जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, या तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, महात्मा गांधी रिमेन्ड अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑल थ्रू हिज लाइफ, जल्दी से बताइए व्हाट इज द एरर, what is the error in this question, which part, 1 2 3 4, 4 mein nahi hogi error bhaiya, kyunki no error likha hai, lekin baki 1 2 3 mein bataiye. Very good. When I was a child, yes, that is also an adverb for your past, simple past. Okay, yeah, no problem Ranjit De, no problem. चलो, लेट्स गेट गोइंग, गिव मी द एरर, इन विच पोर्शन डू वी हैव द एरर, महात्मा गांधी रिमेन्ड, अच्छा आप कह रहे हो फर्स्ट में एरर है, बहुत अच्छा। हिमांशु सेकंड में कह रहे हैं, स्टेट के लिए भी कभी कभी यूज करते हैं, दिबाता, ओके, या बहुत अच्छा, या बताइए जल्दी जल्दी बताइए। ओके, टू में है, सबको समझ में आ गई, सिंपल एरर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स नहीं होता, प्रिंसिपल होते प्रधानाचार्य है, लेकिन क्या है यहाँ पे, सिद्धांत के लिए, रूल्स के लिए हम लगाएंगे प्रिंसिपल, प्रोनंसिएशन ऑलमोस्ट सेम होता है, बट या बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा मैं एक आपको और क्वेश्चन देती हूँ, बताइएगा, गांठ बहुत ढीली थी, गांठ बहुत ढीली थी, गट्ठी बांधते हैं ना हम लोग, किसी चीज में गट्ठी बांधते हैं ना, सो मैं आपको दे रही हूँ, द नॉट वॉज क्वाइट लूज, या द नॉट वॉज क्वाइट लूज, जरा जल्दी बताओ व्हाट इज द एरर हियर, व्हाट इज द एरर हियर, द नॉट वॉज क्वाइट लूज, therefore it came off, therefore it came off, yeah, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, लिखा हुआ नजर आ रहा है, therefore it came off, नीचे तक नजर आ रहा है, हाँ चलो, the knot was quite loose, therefore it came off, जल्दी से बताओ कितने errors हैं और किसके error हैं, फटाफट, या शाबाश, मुझे आने लग गए जवाब, अब मुझे नाउ एक और क्वेश्चन, नाउ आई नो दैट यू नो इट, या नाउ आई नो दैट यू नो इट, अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या एरर्स हैं, कितनी एरर्स हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वन, जल्दी बताइए। हाँ आसान है ना, कितना इजी है, हाँ द नॉट वॉज क्वाइट लूज, बहुत अच्छा, सो यहां पे जो नॉट है, एन ओ टी नॉट नहीं, के एन ओ टी, द नॉट वॉज क्वाइट, एल डबल ओ एस ई, एल ओ एस ई होता है लूज या हारना, वो वर्ब की तरह यूज होता है, लेकिन एल डबल ओ एस ई जो है वो एडजेक्टिव होता है, तो ये याद रखिएगा, द नोट वॉज क्वाइट लूज, देयरफॉर इट केम, हाँ कुछ ही लोगों ने ये वाला एरर बताया, ओ डबल एफ होना चाहिए, केम ऑफ का मतलब होता है कोई चीज जुड़ी हुई है और फिर वो एकदम से अलग हो जाए, ओ डबल एफ भी आएगा, यस राम चौधरी जी, वेरी गुड योगेश, द नोट वॉज क्वाइट लूज, देयरफॉर इट केम ऑफ, यस नाउ आई नो
That you know it. Of course, we have the word K-N-O-W and again K-N-O-W. Hope so clear? देखो इजी है ना ये सब कितना, लेकिन जब एग्जाम्स में आता है तो दिमाग घूम जाता है, बिल्कुल ऐसे गोल गोल चक्कर खाने लगता है, लगता है ये भी सही है वो भी सही है ना. ओके चलो आगे बढ़ा जाए. देखो तो प्रिंसिपल्स विल रिप्लेस प्रिंसिपल्स. चलो रुस्तम एंड माइसेल्फ सो द पिक्चर नो एरर. बताओ क्या है, कहाँ पे एरर है? फोर्थ वाले में मत कहना एरर है. अच्छा जल्दी बताइए. What is the answer? Jaldi se like or share bhi kare. The button of my shirt has come off. Yes, bahut nikal gaya hai. Beautiful. I hope it is clear everybody. To zara jaldi se mujhe iska answer de do. Shabash. Batate jaiye, batate jaiye aur aage badhte jaiye. Sab log keh rahe hain ma'am. Two means myself so. Achha, isme kya error hai? Jaldi batao. Now give me the reason. Now give me the reason. Ved Prakash, 3 mein error nahi hai. 3 mein matlab the picture mein koi error nahi hai. Haan? Ye nahi hai error. Jaldi se bataiye. Okay. Bahut achha. So everybody, so you are absolutely right. Ye Rustam and myself nahi hoga. Myself जो होता है वो रिफ्लेक्सिव केस होता है. किसका? प्रोनाउंस का रिफ्लेक्सिव केस होता है. लेकिन जब हम एक सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट होता है. कभी कभी दोनों में से कुछ भी नहीं होता. ठीक है, ही वेंट, खत्म. ना ऑब्जेक्ट है ना कोई कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है, कभी कभी सिर्फ यहाँ पे भी खत्म हो जाता है. अब मैं आती हूँ अपने क्वेश्चन पे. तो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस, क्या बोला मैंने? प्रोनाउन. नाउन से ज्यादा प्रोनाउन यूज होता है हमारे सेंटेंसेस में, ये याद रखिएगा. तो जब प्रोनाउन का केस होता है वो सब्जेक्ट की तरह सिर्फ नॉमिनेटिव केस लगते हैं. प्रोनाउंस में कौन से लगते हैं केस सब्जेक्ट में? नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस क्या होते हैं? जो सब्जेक्ट का काम करते हैं प्रोनाउन में, जैसे कि आई, You, he, she, it, they, are, ये सब क्या होते हैं? ये सारे के सारे हमारे नॉमिनेटिव केस होते हैं. जो नॉमिना का मतलब ही होता है नेम, जो हमारे सब्जेक्टिव केस को डिफाइन करते हैं. तो myself कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं होता है, वो रिफ्लेक्सिव केस होता है. He went there himself. I went there myself. वो हमेशा वर्ब के बाद आता है. अब आप कहेंगे मैम इससे क्या फर्क पड़ता है सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस? बहुत फर्क पड़ता है. वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस, जिसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, वो आता है, और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है. इतना आप लोगों ने पढ़ा है ना? यस और नो, टेल मी यस और नो. नॉमिनेटिव केस में भी तुम लोग एक बात का ध्यान रखो कि बहुत ज्यादा रूल फॉलो होते हैं. रूल क्या फॉलो होता है? 231 का रूल फॉलो होता है. व्हाट इज 231? जल्दी बताओ व्हाट इज 231? कितने लोगों को मालूम है व्हाट इज 231? शाबाश. माइसेल्फ विल रिप्लेस आई. यस, यहाँ पे आई आ जाएगा. बहुत अच्छा. रुस्तम एंड आई सो द पिक्चर. That would be the correct answer. Bahut sundar. Hello, hello, Indian blogger. Welcome to the class. Welcome everybody. So, hope so clear everyone. Bahut achha. 3-to-1 ka rule dekho. Simple yaad rakho. Jo person table hoti hai na, person table. Person table malum hai na tum logo? Kitne logo person table malum hai? Jaldi se raise your hand. मेरे को लगता है जितने मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं सबको मालूम है, लेकिन नए बच्चों के लिए मैं बताना चाहती हूँ. पर्सन टेबल होती है जिसमें फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है. फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम रहता है, और थर्ड पर्सन होता है सिंगुलर ही, शी, इट या नेम, और प्लूरल बन जाता है दे, दीज, दोज या नेम्स. ठीक है, तो ये जितने भी होते हैं इनका रूल क्या फॉलो होता है सेंटेंसेस में? 231 का. पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है, फिर फर्स्ट पर्सन, मतलब खुद को बोलिए. घर में मेहमान आता है ना, मेहमानों की पहले आओ भगत करते हैं, बाद में खुद की करते हैं, ऐसे करके याद रखना. ओके, सो 231. शाबाश.
सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, वेरी गुड मधुमिता, बहुत अच्छा, शाबाश सब लोग, बहुत ही बढ़िया। तो अभी सबको क्लियर, चले आगे पढ़ा जाए, देखिए इसका आंसर क्या है। रुस्तम एंड आई शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन इज यूज एज सब्जेक्ट, नॉट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हाँ, मैं तुम्हें कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से बता रहे हैं। हेलो, माई सेल्फ रवि, माई सेल्फ अनामिका, एब्सोल्यूटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है ये सेंटेंस। कई लोग बोलते हैं ना, सो माई सेल्फ शगुफ्ता, रॉन्ग आंसर। Myself तो यूज ही नहीं करेंगे सब्जेक्टिव केस में या इंट्रोडक्शन देने में इस तरीके से। दिस इज द कॉमनेस्ट काइंड ऑफ मिस्टेक दैट पीपल कमिट वाइल इंट्रोड्यूसिंग themselves. नेवर से myself रवि, सर आई एम रवि या माय नेम इज रवि, दैट sounds बेटर, नॉट myself रवि। आप में से कुछ लोग कहेंगे तो नहीं ना, आप myself से तो नहीं शुरुआत करोगे अपने इंट्रोडक्शन की? अगर शुरुआत नहीं करनी है तो लिखिए नो मैम, जल्दी लिख के बताओ, नो मैम, जल्दी लिखिए नो मैम, नहीं करनी है ऐसे शुरुआत। माई सेल्फ योगेश रॉन्ग, माई सेल्फ निकिता रॉन्ग, माई सेल्फ राम चौधरी बिल्कुल रॉन्ग, माई सेल्फ हिमांशु रॉन्ग। ये वो बता रही जो स्पीकिंग में लोग गलती करते हैं, अच्छे अच्छे लोग ये गलती करते हैं। माई सेल्फ सोनी रॉन्ग, माई सेल्फ वंदना रॉन्ग, Either you say I am or say this is or say my name is, introduce karna hai na. So this is your, sir bhi bolte na, so this is your host and your English ka dost, aise karke bolte na. He never says myself Vineet Kapoor, wrong answer. Haan ji, ye baat. Achha, Abdul pooch rahe ma'am emphatic pronoun kya hota hai, ofo. Achha, main batati hu, dekho, I met Sachin myself. मैं खुद सचिन से मिली। I myself met Sachin. अब मुझे जोर देना है आई पे, मैं तो खुद ही सचिन से मिली। तो when we have to emphasize upon a particular subject, then we use emphatic pronoun. He himself went there. वो खुद ही वहां गया। So we have this one, ठीक है? जिस भी प्रोनाउन के साथ वो लगता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो उसी को एम्फसाइज करता है, या? ओके, फाइन, आई एम रेखा, जरा जल्दी जल्दी लिखिए, बहुत अच्छा, शाबाश, वेल डन। चलो भाई, नहीं तो फिर हमारा केस रह जाएंगे और सारे क्वेश्चंस। द ओल्ड मैन वॉज ओवरवेल्म्ड फॉर जॉय At the success of his only son. Wow. जैसे आपने कभी कहना है ना, मैं ही अकेला बच्चा हूँ अपने पेरेंट्स का, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। सो आप कह सकते हैं आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, या सो मैं ही अकेला बेटा हूँ, इकलौता बच्चा हूँ, इकलौती बेटी हूँ। तो यू कैन, इकलौती के लिए हम यूज करते हैं द ओनली सन, या सो द ओल्ड मैन वॉज ओवरवेल्म्ड फॉर जॉय एट द सक्सेस ऑफ हिज ओनली सन। क्यों नहीं, एक्चुअली जो हमें अपने बच्चों की या भाई बहनों की या अपनों की सक्सेस से जो खुशी मिलती है, जो जिस तरीके का सेटिस्फैक्शन मिलता है, डू यू नो उसके लिए हम क्या फ्रेज यूज करते हैं? अगर आपको याद है तो जरा जल्दी से मुझे लिख के बताइए, नहीं तो मैं आपको बताऊंगी क्या यूज करते हैं। जब हमारे अपने कोई बड़ा अचीवमेंट करते हैं, तो जैसे मेरे बच्चे कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मुझे बेइंतहा खुशी मिलती है। आप लोग कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बहुत दिल खुश हो जाता है, बहुत खुशी मिलती है। तो इस तरीके की खुशी की इंग्लिश क्या होती है? बाय द वे, क्वेश्चन आपका ये है, वो सबसे जरूरी है। शाबाश, बताते जाइए जल्दी से, बहुत अच्छा, या बहुत अच्छा, वेरी गुड सोनी थरेजा, एक्सीलेंट। चलिए, अच्छा मधुमिता खैरी है कि मैम मेक योर स्लोगन लाइक सर, मैं बनाई नहीं पाई हूँ अभी तक, इट साउंड्स लवली, व्हाट टू डू, यू गिव मी सम सजेशंस, तुम लोग मुझे बताओ, जिसका सजेशन अच्छा लगेगा वो स्लोगन मैं अपना बना लूंगी, राइट? जैसे सर का है, दिस इज योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर, लाइव बिफोर यू, मेरे लिए भी कुछ बना के भेजो तो मैं आई ट्राई यूजिंग दैट, या बहुत अच्छा, जॉय मैम, अच्छा जॉय गड़बड़ है, देखा जाए जल्दी से। आपको पता है ना किस किस तरीके के एरर्स आते हैं, प्रीपोजिशन के भी एरर्स आते हैं। देखो मैं तुम्हें हिंट दे देती हूँ सबको, तो जरा जल्दी से मुझे बताना। ओके ओके,
थैंक यू सो मच, हार्ट वार्मिंग मोमेंट। ओके चलो बहुत बढ़िया है, ये भी बहुत अच्छा है। ओवर द मून, बहुत खुशी मिलना, बहुत अच्छा। क्या बढ़िया बढ़िया बोल रहे हो तुम लोग, दिल खुश हो जाता है। सो हार्ट वार्मिंग मोमेंट, वाह हार्ट वार्मिंग मोमेंट। और दूसरा क्या बोला था, ओवर द मून, बहुत बढ़िया। ओवर द मून बताते जाओ, बहुत खुशी मिलने को क्या बोलते हैं, जब किसी ओवरवेल्म्ड विद जॉय, शाबाश बहुत ही बढ़िया। तो हियर ओवरवेल्म्ड विद जॉय, ये प्रीपोजिशन का एरर है, एट नहीं आएगा। तो ओवरवेल्म्ड बाय फ्लड्स या ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ, इमोशंस की बात करते हैं तो विद ज्यादा यूज करते हैं, और जब होता है ना ओवरवेल्म्ड बाय फ्लड मींस फ्लड से भरे हुए होना, राइट, देन वी यूज इट लाइक दिस। बहुत बढ़िया। बाय द वे, जब हमें अपनों की किसी अच्छे काम से खुशी मिलती है तो वी यूज अ फ्रेज विकेरियस प्लेजर। सो व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, विकेरियस प्लेजर। सो पेरेंट्स गेट विकेरियस प्लेजर व्हेन देयर चिल्ड्रन दे गेट सिलेक्टेड इन अ गवर्नमेंट जॉब। अब तो सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है ना, बड़ा कॉम्पिटिशन है, इट्स अ टफ कॉम्पिटिशन। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी गवर्नमेंट जॉब में, या आप जो बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे, तो आपके पेरेंट्स को, आपके अपनों को बहुत खुशी मिलेगी, और उसी खुशी को बोलते हैं विकेरियस प्लेजर। याद आया कुछ आप लोगों को, आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है सोने पे सुहागा। डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज। अच्छा, दिस इज योर इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड अनामिका, वाओ दैट्स अ गुड वन हिमांशु, ये तुमने अच्छा बताया, आई कैन ट्राई दिस वन। सो दिस इज योर इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड अनामिका, दैट साउंड्स ग्रेट, आई गॉट समथिंग। कोई बड़ी बात नहीं, क्या पता मैं ये पंच लाइन यूज ही कर लूं। ओके, योर गोल इज टू बिकम अ प्रोफेसर, बहुत अच्छा, क्लाउड नाइन कहते हैं। चलो भाई, द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वॉज मच एक्साइटिंग। वाओ, आई लव मैचेस, यू नो नॉट ओनली हॉकी मैचेस, आई लव क्रिकेट ऑल्सो, आई लव, येस्टरडे आई वॉज वॉचिंग कबड्डी मैच, या कबड्डी भी बढ़िया मैच होता है, तुम लोग देखते हो कबड्डी का मैच, देखो बढ़िया है, मजा आता है देखने में। यस योगेश, विकेरियस प्लेजर, क्या बात है, अपनों से जो खुशी मिलती है उनके अचीवमेंट से, वो जो हमें खुशी का एहसास होता है उसको बोला जाता है विकेरियस प्लेजर, बहुत अच्छा। एक्सटैटिक, यस वी बिकम एक्सटैटिक फॉर दैट वन। ओके, पंच लाइन देनी बाकी है तुम लोगों ने, ये याद रखना, मुझे हिमांशु ने बहुत अच्छी दी है वैसे, थैंक यू सो मच अमित, यू लाइक द प्रोनाउंसिएशन, आई वुड लव यू पीपल टू हैव द सेम काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन एज वेल। हाउ टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन इज जस्ट copy the person you want to copy, means if you want to be a speaker like anybody, whosoever is your idol, just take the pronunciation, accept it and then start speaking. Good evening Vilas, very late joining, I'm on the verge of finishing my class and you are joining so late. So the hockey match between India and Australia, it is not this is Australia, so pronounce it properly, was much exciting. Batao jaldi kya hai error. Some people are saying 4, some people are saying 3. I would not mind if you give me the correct answer. Chalo, give me the correct one. Okay, so most of you are trying to give me 4 to hai nahi. No error nahi hai bhaiya, ye sun lo, error to hai isme. Agar no error hota to hum yahan kyun khade hote? To no error nahi hai. तो आप जिन्होंने 4 लिखा है वो प्लीज अपना मैसेज वापस लो और फिर 1, 2, 3 में से कुछ लिख के बताओ। द हॉकी मैच तो समझ में आता है, बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया भी सही लग रहा है, तो फिर एरर कहाँ होनी चाहिए, जल्दी बताओ। बहुत अच्छा चेतन, पीछे चल रहे हो जल्दी से। ओके थैंक यू, थैंक यू। हाँ, अब्दुल ने भी कुछ अच्छा है आंसर लिखा तो है, 2 में नहीं है एरर बच्चों, 3 में एरर है, ठीक है। अब याद रखो, याद रखो, ये जो मच लगा है ना, मच यहाँ पे कभी नहीं आएगा, मच जो है ये जो मच आता है डिटरमाइनर की तरह यूज होता है, मच या तो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है या फिर ये होता है इंट्रोगेटिव, जो क्वेश्चन मार्क होते हैं ना जिनमें, उन सेंटेंसेस में यूज किया जाता है।
अफर्मेटिव में पॉजिटिव चीजों के लिए कभी भी यूज नहीं करते। एग्जाम्पल दो, मच का कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, जल्दी से बनाओ। नेगेटिव सेंटेंस में जिसमें कोई कोई बहुत अच्छी बात नहीं कही गई है, कुछ खराब बात कही गई है। हाँ, तो यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए था वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी शुड बी द राइट वन। मच से जरा कोई नेगेटिव सेंटेंस बना के दिखाओ। या वेरी गुड, ओके। सो मच से बनाइए, जैसे कि आजकल बहुत ट्रैफिक है। सो देयर इज सो मच ट्रैफिक, सो देयर इज सो मच ट्रैफिक। देखो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया है ना, बहुत ट्रैफिक है। देयर इज सो मच ट्रैफिक, इट इज डिफिकल्ट टू मूव, वेरी डिफिकल्ट। देयर इज बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। क्या द ट्रैफिक, यू नो यू हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स। खैर मैं ट्रैफिक पे ही शुरू हो जाऊंगी। ओके, हाँ, आई डोंट हैव मच मनी। बहुत अच्छा शौंपा दास, वेरी गुड, वेरी नाइस। आपने किया तो डिड यू गेट मच टाइम टू रिहर्स, आपको रिहर्सल का टाइम मिला। सो ये देखो इंट्रोगेटिव में मिला, डिड यू गेट मच टाइम टू रिहर्स, यू नो क्या आपको रिहर्सल का टाइम मिला, डिड यू गेट मच टाइम टू रिहर्स। या सो वी हैव अ लॉट, या वी गॉट इनफ टाइम, अच्छा खासा समय मिला। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर बींग सो सो लवली ऑल ऑफ यू। चलो, सो चलिए, लेट्स कम टू द पॉइंट हियर, लेट्स कम टू द पॉइंट। सो अभी तुमको समझ में आ गया होगा, तो अभी हमारा शेड्यूल नोट कर लो, शाम को 6 बजे और रात में 9 बजे हम लोग लाइव आते हैं। 6 बजे ग्रामर का सेशन होता है, या फिर हमारा न्यूज़पेपर रीडिंग का सेशन होता है। 9 बजे स्पोकन इंग्लिश का सेशन होता है। आज का सेशन कुछ अलग है, डिफरेंट है, आपके लिए कोई बेहतरीन सौगात लेके आए हैं, जरा देख लीजिए क्या है। वी हैव बुक रिलीजिंग सेशन ऑन 29 दिसंबर एट 9 PM एंड यू जॉइन इट एंड यू गेट अट्रैक्टिव प्राइजेस टू। सो डू जॉइन अस एट 9 PM टुडे। ये बहुत कमाल का सेशन होने वाला है। हमारी जो पहली बुक है वो हम आप सबके साथ रिलीज करेंगे। सो ये हमारा ब्लूप्रिंट बंडल कोर्सेज है, पेड कोर्सेज है, जो लेना चाहते हैं इस लिंक से खरीद सकते हैं। दिस इज अवर एडवांस्ड इंग्लिश लर्निंग कोर्स, बहुत कुछ कवर करते हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है। एंड साथ में फॉलो अस ऑन यूट्यूब प्लीज। भैया जो जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लगता है आपको काम तो डेफिनेटली आप और लोगों को भी जोड़िए। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। बहुत सारी वीडियोस हैं, 1200 से भी ऊपर वीडियोस, हमारी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप लोग देखिएगा। सो ये हमारा आंसर्स है, वाज वेरी एक्साइटिंग इज द राइट यूजेज, क्योंकि मच को हम जनरली नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। चलो, हिज कॉम्पोजिशन इज इंफीरियर दैन माइन, उसकी जो धुन है वो मेरी धुन से अच्छी नहीं है। सो हिज कॉम्पोजिशन इज इंफीरियर। अच्छा, सिंपल पास्ट टेंस को और उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बस याद रखो जो मैंने आपको भी एडवर्ब्स बताए थे, वो एडवर्ब्स अगर दिए हैं तो सिंपल पास्ट है, और वो एडवर्ब्स नहीं दिए हैं तो आप परफेक्ट को यूज कर सकते हैं। जैसे कि या, बहुत सारे, जैसे टुडे भी कह सकते हैं, हैव यू सीन रीना टुडे। या तो देखो हैव के साथ सीन आ गया, हैव यू, सो वी हैव दिस वन। हमारा जब क्वेश्चन आएगा तो हम नेक्स्ट सेशन में जरूर उसको कवर करेंगे, ठीक है वंदना। We will surely cover in the next session. अभी मैं इधर से deviate हो जाऊंगी, नहीं तो फिर okay? Yes, great. चलो, so his composition is inferior than mine. जल्दी बताओ, 1, 2, 3 fast. 4 नहीं है, पहले ही बता दिया मैंने, we don't have 4. अच्छा ठीक है, I got the answers. Why? Now give me the reason why. Yeah. Fine. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नाउ व्हाई, माय क्वेश्चन इज व्हाई। तो याद रखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ, मैंने आपको बताया ना, प्रीपोजिशन कॉम्बिनेशंस लगते हैं। सो ये उन्हीं में से कुछ हैं, भाई बहन हैं सारे वर्ड्स। या ओके, वेरी नाइस। ओके, सो वी हैव इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, जूनियर, सीनियर, प्रेफर, अग्री, इन सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, टू। I prefer tea to coffee. मुझे कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है। I prefer tea to
कॉफी, तो प्रेफर के साथ भी देखो टी लगता है, टू लगता है, ठीक है, टी, ये चाय की याद आ रही है, चाय का टाइम है ना, सो वी हैव दिस वन, आई प्रेफर टी टू कॉफी. ही इज सीनियर देन मी, नहीं, ही इज सीनियर टू मी, वो मुझसे सीनियर है, या ओह ही इज जूनियर टू मी, वी कैन से दैट, ओके, ही इट इज सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, प्रायर टू, सो मेनी वर्ड्स आर देयर, ये प्रीपोजिशन कॉम्बिनेशंस हैं, ओके, देन कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे, ठीक है. चलो एक और लेते हैं, ये हमारा असाइनमेंट है, दिस इज अवर असाइनमेंट, डोंट गिव इट्स आंसर हियर, कहाँ पे आंसर दोगे, चलो जल्दी लिखो, फटाफट मुझे लिख के बताओ कि इस असाइनमेंट का आंसर आप लोग कहाँ देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब कोई भी नहीं दे पाएगा, आई एम डेट श्योर अबाउट इट, जल्दी बताइए असाइनमेंट का आंसर आप कहाँ देते हैं, आई वॉन्ट द आंसर, टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, जल्दी बताओ कहाँ देते हो, फटाफट, ओके ग्रेट, ही सीनियर टू मी, आ हा 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 हा, सोनी इट इज रियली हॉट, दिस टी इज रियली वेरी वेरी हॉट, या शाबाश, नहीं मैं ये वाला नहीं यूज करूंगी, इंग्लिश की दोस्त आप सबकी होस्ट, ये वाला नहीं, ये तो सर का है, मेरे को कुछ नया दो ना लिख के, अच्छा सा, या बहुत अच्छा, कमेंट सेक्शन में देना है ना, ओके, मंशु इज आल्सो गिविंग, इंग्लिश की दोस्त आप सबकी होस्ट, ओह वाओ सो नाइस, अच्छा है वैसे सच में, बहुत बढ़िया है, पर सर ने ऑलरेडी ये पंच लाइन जो है वो चोरी कर ली, मैं क्या करूँ, ओके कमेंट बॉक्स में ना, तो मेरे सारे स्टूडेंट्स आंसर ये जो है, मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी, ऑल ऑफ यू हैव टू गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, व्हेन माय वीडियो विल एंड यू विल फाइंड अ कमेंट सेक्शन बिलो इट एंड देन यू आर गोइंग टू गिव मी द आंसर देयर, जस्ट राइट डाउन द नंबर एंड व्हाई, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, आई विल गिव यू अ हार्ट, ठीक है, चलो दैट्स ग्रेट. Oh, you have to take the screenshot. You can please just take the screenshot. I just got a site and take the screenshot so that you can very easily give me the answer in the comment section. Simmi, le to leti answer nahi deti bilkul. Haan? Chalo. Hum kal batayenge aapko. Theek hai Himanshu. Hum aapke answer ke liye tayar rahenge. Aapki wo jo suggestion hai punch line ke liye. Wo bhi aap comment section mein likh ke bata sakte hain. मुझे जिसकी भी अच्छी लगेगी, क्या पता मैं वही आगे यूज कर लूं, है ना, ये भी चलेगा, अच्छा है ये, अच्छा आइडिया है मानशु, चलो थैंक यू एवरीबॉडी, आप लोग इतने अच्छे से आते हैं, अरे मैंने तो आपको आंसर ही दिखा दिया, और ये लीजिए मैं अपने सेशन को एंड करती हूँ, देखा तो नहीं ना तुम लोगों ने, देखना नहीं कभी भी, चलो आंखें बंद कर लेना आए भी तो भी. So this is the schedule, फटाफट देखो, note कर लिया, 6 बजे और 9 बजे, yeah, and yes, thank you Shagufta, ये book का releasing session है, आज ही है, रात में 9 बजे, सब लोग आ जाना, सब काम छोड़ के पहले 9 बजे ये session attend करेंगे, ठीक है, so we'll take the session, और ये हमारे courses है, Blueprint Bundle, Advanced English Learning System, इस link से आप इनको व्हाट्सएप करिए हमें, हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, सब्सक्राइब आवर चैनल, इंस्टा एंड ऑफ कोर्स टेलीग्राम चैनल, सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट, वी रियली थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर टिल द लास्ट ऑफ द क्लास, आई होप आपके लिए ये सेशन थोड़ा फ्रूटफुल रहा हो, वॉज दिस सेशन फ्रूटफुल फॉर यू, जल्दी बताइए, वॉज इट फ्रूटफुल फॉर यू, आपको कुछ समझ में आया, या बहुत बेहतरीन, बाय 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 बाय, या वेरी वेरी गुड, शेयर करिएगा सेशन, यू आर एक्साइटेड फॉर टुनाइट, सो एम आई, वेरी गुड, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं आप लोगों के साथ अपनी बुक को रिलीज करने के लिए, वी आर रियली वेरी वेरी एक्साइटेड एट आवर एंड, सो अच्छा, थैंक यू सो मच, इवन वी ऑल्सो लाइक यू, पता है कभी ऐसा भी होता है कि अगर हमें जिस दिन संडे आता है उस दिन मज़ा नहीं आता, क्योंकि उस दिन कोई क्लास ही नहीं होती है, तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम अभी वेट फॉर मंडे है, बड़ा अच्छा लगता है, लोगों को मंडे बहुत ख़राब लगता है ना, कभी कभी खूनी मंडे भी कहते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता, हमें बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वी आर विद यू देन,
है ना। चलिए थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हाँ ये सो दिस इज योर इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड अनामिका सेइंग बाय बाय टू ऑल यू गाइस। यार हिमांशु ने बोला मैम ये बोलिए तो मैंने बोल दिया। सो लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। आपको कोई अच्छी पंच लाइन मिले तो मुझे जरूर शेयर करिएगा, और हाँ कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना है। तो सभी को बाय बाय टेक केयर, आज रात में 9 बजे मिलना है। सो बाय एंड बी हैप्पी।